भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामलों की बात करें तो हसीन जहां ने अब आरोप लगाया है कि उनके मोबाइल सर्वेलेंस पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि शमी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं। इस पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को अपने सामने सर्वेलेंस टीम से हसीन के दोनों मोबाइल नंबरों की जाँच कराई। इसमें उनका कोई भी नंबर सर्विलांस पर नहीं लगा मिला। इस बात की जानकारी एसपी ने शमी की पत्नी हसीन जहां को भी दी। इस बारे में हसीन ने कहा, मैं किससे बात करती हूं, कहां मौजूद हूं? इस बात की जानकारी शमी और उनके भाई हसीब को मुहैया कराई जा रही है। ये डिटेल्स मेरे मोबाइल के CDR से निकाली जा रही है। शमी और उनके भाई हसीब के कुछ पुलिस वालों से अच्छे रिश्ते हैं और वही ये डिटेल्स मेरे मोबाइल के CDR से निकाल कर दे रहे हैं। आपको बता दें, शमी की पत्नी हसीन ने शमी पर घरेलू हिंसा, रेप, बेवफाई जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही उनकी पत्नी ने उन पर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसे पड़ताल कर BCCI के एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को इन आरोपों से क्लीन चीट दे दी है। खैर, यह विवाद और क्या मोड़ लेगा ये वक्त के साथ हमें पता चलेगा, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों के बीच हमें अभी और ड्रामा देखने को जरूर मिलेगा।